एक बहुत बड़ी खबर आई है सामने कि चंद्रशेखर आजाद को राजस्थान के जोधपुर एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी हिरासत में लिया। ये वीडियो देखिए सबसे पहले। देखा इस वीडियो को किस तरह चंद्रशेखर आजाद को पुलिस हिरासत में लेने के लिए एयरपोर्ट के गेट पर डेरा जमाई हुई है। मानो ऐसा लगता हो ये चंद्रशेखर आजाद कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, कोई क्रिमिनल हो। लेकिन मैं बता देता हूं, चंद्रशेखर आजाद ना तो कोई क्रिमिनल है और ना तो चंद्रशेखर आजाद ने कोई गलत काम किया है। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ना झुकेंगे, ना चंद्रशेखर आजाद के समर्थक झुकेंगे। चंद्रशेखर आजाद का एक बहुत बड़ा ऐलान था कि 18 अगस्त को चंद्रशेखर आजाद और पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज इंद्र कुमार मेघवाल के समर्थन में एक जन आंदोलन करेगा, जिससे इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय मिल सके और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा हो। चूंकि हमारी मांग है कि इंद्र मेघवाल के अपराधियों को, अपराधी को जो टीचर था जिसने इंद्र मेघवाल को मारा, जिसने इंद्र मेघवाल की जान ली, उसको फांसी की सजा दी जाए। यही हमारी मांग है कि इंद्र मेघवाल के अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को 18 तारीख के पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। जी हां, जोधपुर की पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी हिरासत में लिया। एक और वीडियो सामने आया है इसी दिन का, इस वीडियो को देखिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद काफी आपाधापी में लगे हुए हैं और अपनी कार में जाकर बैठते हैं। ये वीडियो देखिए सबसे पहले। जाना चाहता हूँ परिवार से मिलने, लेकिन गहलोत जी बताएं कि मैंने कहा कि मैं अकेला भी जाना चाहता हूँ। जब सरकार वहाँ जा सकती है, विपक्ष वहाँ जा सकता है, तो ये भाई उसका भाई क्यों नहीं जाता? आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं जालौर के लिए जाने के लिए, क्या कुछ है आपके प्रयास क्या रहेंगे सर? बिना जाऊंगा, बिना उनसे मिले जाऊंगा नहीं। प्लीज प्लीज सर, लग जाएगी, बिना मिले जाऊंगा नहीं। देखा चंद्रशेखर आजाद किस तरह चिंतित हैं। ये चिंतित होना बेहद लाजमी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। 18 अगस्त को एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला था इंद्र मेघवाल के समर्थन में। खैर, चंद्रशेखर आजाद भले हमारे बीच में नहीं रहेंगे, लेकिन हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर क्रांतिकारी साथी को चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, एक महान क्रांतिकारी बनना पड़ेगा और इंद्र मेघवाल के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा और न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जो लोग हिंसा के विरोध में है और जो लोग मानवता को मानते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, उन्हें इंद्र मेघवाल के समर्थन में और इंद्र मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर कल उतरना होगा। चूंकि ये फैसला, चंद्रशेखर आजाद का ये बड़ा फैसला जाया ना जाए, इसलिए आप लोगों को कल राजस्थान की सड़कों पर उतरना पड़ेगा। पूरे जोधपुर से लेकर जालौर तक के हर एक रास्ते को उतरना पड़ेगा, हर एक रास्ते को जाम करना पड़ेगा, जिससे सरकार को यह एहसास हो कि अगर बहुजन समाज के बच्चे को या फिर किसी भी समाज के किसी भी बच्चे को अगर मारा जाता है या उसके साथ गलत काम किया जाता है, तो ये युवा और ये बहुजन समाज के लोग उन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाकर रहेंगे। खैर, चंद्रशेखर आजाद की रिहाई के लिए आप सभी लोग ट्विटर पर एक ट्रेंड कराइए, रिलीज चंद्रशेखर आजाद, और सरकार को टैग करिए, मेंशन करिए, हमें भी मेंशन करिए, जिससे हम उस ट्वीट को रीट्वीट कर सके। खैर, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और पूरे समाज में फैला दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन होगा और होकर ही रहेगा। मैं अर्नव, आप देख रहे थे अर्नव द वॉइस ऑफ इंडिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, बहुत बहुत शुक्रिया।